So next topic is Rutherford's atomic model. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस के बाद रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल प्रपोज किया, जिसे हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके बेसिस पे उनका एटॉमिक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। और रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम। रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई उनके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सो दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मॉडल। अब रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस के आजू बाजू यानी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के मोशन को भी एक्सप्लेन किया था। थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्टैटिक थे, दैट मीन्स देयर वॉज नो मूवमेंट, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं। और इन्होंने इसको प्लैनेट के मॉडल के साथ कंपेयर किया, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन हमारा सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है एंड प्लैनेट्स सराउंडिंग में रोटेट करते हैं, सिमिलरली एक एटम में भी न्यूक्लियस सेंटर है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह उसके सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इनके इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण रदरफोर्ड्स मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। तो मैं यह मेंशन कर रहा हूं, इट इज आल्सो नोन एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। अब यहां पे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये हमारे एटम का सेंट्रल पार्ट है। तो मैं मेंशन कर देता हूं, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। अब इस न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं एक पार्टिकल ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है एंड सेकेंड टाइप जो है वो पिंक कलर से। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के कलर्स, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू पार्टिकल्स हैं दे आर प्रोटॉन्स एंड जो पिंक पार्टिकल्स हैं दे आर न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं। सो वी कैन से कि न्यूक्लियस जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से जो हमें स्पीशीज मिलते हैं इन्हें हम कंबाइनली बुलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रिसाइडिंग पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ सर्कुलर पाथ है, कि ये सर्कुलर पाथ जो है दीज आर ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्रेस किया है जो न्यूक्लियस के आउटर रीजन पे है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जिन पोर्शन पे है ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस का आउटर रीजन जो है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस देखा, एज वेल एज हम यहां देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है एक बहुत छोटे से पार्ट है, दैट मींस साइज ऑफ न्यूक्लियस एक्सट्रीमली स्मॉल होगा कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज का भी प्रेडिक्शन दिया, दैट वाज 10^-15 मीटर इन रेडियस अप्रोक्सीमेटली। एज वेल एज रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है दैट इज नेचर ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इन दोनों का भी प्रिडिक्शन दिया, जिसके बेसिस पे हमें प्रोटॉन्स के बारे में पता चला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइनली न्यूक्लियस में रिसाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मास ऑफ एटम भी न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉडल। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एटम्स। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया गया। सेकेंड, साइज ऑफ न्यूक्लियस वॉज प्रिडिक्टेड, दैट इज 10^-15 मीटर इन रेडियस अप्रोक्सीमेटली। रदरफोर्ड के मॉडल में हमने ये देखा कि न्यूक्लियस जो है एक स्मॉल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बेसिस पे इन्होंने न्यूक्लियस का साइज का प्रिडिक्शन दिया जो कि एटम से अराउंड 1 लाख टाइम्स
स्मॉल है. थॉमसन मॉडल में हमने एटम का साइज देखा था, दैट वाज 10^-10 मीटर इन रेडियस, और रदरफोर्ड मॉडल में हमें न्यूक्लियस का साइज मिला, दैट इज 10^-15 मीटर इन रेडियस. सो दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑलमोस्ट 100,000 टाइम्स स्मॉलर है कंपेयर टू होल एटम. थर्ड पॉइंट, रदरफोर्ड ने एटम के अंदर जो चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड है इसका भी प्रिडिक्शन दिया. तो वी कैन से दैट नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन न्यूक्लियस वॉज प्रिडिक्टेड, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज. जब न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता चला, बाय दैट वी कंफर्म दैट कि प्रोटॉन्स की पोजीशन न्यूक्लियस में है. व्हाइल थॉमसन मॉडल में हमने स्टडी किया था पॉजिटिव चार्ज एटम में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड मॉडल ने इसे करेक्ट किया और बताया कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली सेंटर ऑफ एटम, दैट इज न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा हूं. फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. नाउ थॉमसन के मॉडल में मास ऑफ एटम वॉज ऑल्सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, व्हाइल रदरफोर्ड मॉडल ने इसे करेक्ट किया एंड बताया कि एटम का मास उसके सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर दोनों पार्टिकल्स जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट है, जो कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है. नाउ इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स पास किए. नाउ व्हाई ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल, इसके दो रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट, गोल्ड इज अ नोबल मेटल, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनीवन, किसी भी एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसके नोबल नेचर के कारण गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया जा सकता है. एंड सेकेंड, गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल, दैट मीन्स गोल्ड फॉइल की थिन शीट बनाई जा सकती है जो बाकी मेटल की कंपैरिजन में ज्यादा थिन हो सकती है. थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल जो यूज किया गया दैट वॉज अराउंड 100 नैनोमीटर, और इस गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स को पास करके उसके ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया, जिसके बेसिस पे एटम के स्ट्रक्चर को कंक्लूड किया. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए एक लेड बॉक्स जिसमें हम लोग अल्फा पार्टिकल के सोर्स को रख सकते हैं. तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, दिस इज लेड बॉक्स. अब लेड मेटल क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि लेड जो है इसके आर पार रेडिएशंस नहीं जा सकती है, रेडिएशंस लेड को पेनिट्रेट नहीं करती है, दैट्स व्हाई लेड बॉक्स के अंदर हमने हमारा रेडियोएक्टिव सोर्स को रखा. अब यहां पे हम देख सकते हैं इस लेड के बॉक्स के अंदर एक सैंपल रखा गया है, और ये जो सैंपल है दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब यहां पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हम यहां पे दो एलिमेंट यूज कर सकते हैं, आइदर रेडियम और पोलोनियम. तो पोलोनियम या रेडियम में से किसी भी मेटल को हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब यहां से हम देख सकते हैं कि लेड के बॉक्स में एक स्मॉल ओपनिंग है, और ये जो स्मॉल ओपनिंग है यहां से हमारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे. अब ये अल्फा पार्टिकल जब मूव करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है, जिनका चार्ज +2 है, जिनका नंबर 2 है और मास 4 यूनिट है. अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनको हमें कोलाइड करवाना है गोल्ड फॉइल पे. तो यहां पे हम यूज करेंगे एक थिन गोल्ड फॉइल, और फॉइल की जो थिकनेस है इट इज अराउंड 100 नैनोमीटर. अब अल्फा पार्टिकल जो हैं ये एक्चुअली हैवी पार्टिकल्स हैं, इन्हें गोल्ड फॉइल के थ्रू पेनिट्रेट होके पीछे चले जाना चाहिए. यानी अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल में से पास होंगे तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के थ्रू पीछे जाना चाहिए. अब गोल्ड फॉइल के पीछे हमने स्क्रीन लगाई है, राइट, क्योंकि हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए गोल्ड फॉइल के पीछे की साइड हमने एक सर्कुलर डिस्क लगाया है जो कि एक स्क्रीन है. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे जो हमने ये सर्कुलर डिस्क यूज किया है, दिस सर्कुलर डिस्क इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे
जिंक सल्फाइड की लेयर है. दैट मीन्स जब अल्फा पार्टिकल्स स्क्रीन पे कोलाइड करेंगे देन दे विल प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ लाइट, जिसे हम लोग सिंटिलेशन बोल सकते हैं. अब हम देख सकते हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट पास हो गए. मैं मेंशन कर देता हूं कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली गोल्ड फॉइल के पीछे स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड. नाउ वी कैन सी दैट सम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो गए. दे आर स्कैटर्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है यहां पे टकरा रहे हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि ग्लो हो रहा है, फ्लैश ऑफ लाइट. अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड की लेयर पे टकराने पे ग्लो करेंगे. अब यहां पे जो अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं वो बहुत ही कम है. तो मैं मेंशन कर देता हूं, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड. स्कैटर्ड का मीनिंग हुआ कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के सामने की साइड जाके टकरा रहे हैं, यानी ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर बाउंस्ड बैक, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स बाय लार्ज एंगल, जो कि गोल्ड फॉइल से टकरा के स्क्रीन में आगे की तरफ सिंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? अब यहां पे तीन तरह के ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहे हैं. तो जो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, जो डायरेक्टली गोल्ड फॉइल में से पास होके स्क्रीन पे टकरा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दैट मींस ये अल्फा पार्टिकल एटम के एम्प्टी पार्ट में से पास हो रहे हैं. जो अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर जो स्कैटर हो रहे हैं, ये एक्चुअली आइदर न्यूक्लियस के बाउंड्री से या फिर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण उनका पाथ स्लाइटली चेंज हो जाता है. और जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होके बाउंस बैक हो रहे हैं या डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, दैट मींस वो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक हो रहे हैं. और क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ हैज पॉजिटिव चार्ज. तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने एक्चुअली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया. यहाँ पे मैं रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कुछ स्टेप्स को मेंशन कर देता हूँ. रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन मेटालिक गोल्ड फॉइल एंड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ही यूज्ड अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोग इस फिगर को देख सकते हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली गोल्ड फॉइल में से पास हो गए. दैट मींस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन, दे आर अनडिफ्लेक्टेड. तो मैं पहले मेंशन कर देता हूं ये पॉइंट. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड टू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस फिगर में काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, बट उसमें से वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड. तो मैं मेंशन कर देता हूं, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट. इट मींस कि ज्यादातर एटम का पार्ट जो है वो एम्प्टी है. दैट्स व्हाई मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स एटम के थ्रू पास हो गए. नाउ यहां पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल्स पे बेंड हुए, और ये जो स्मॉल एंगल्स हैं ये क्यों हैं? तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं. जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की बाउंड्री से टकरा के स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक करते हैं और ये डिफ्लेक्ट होते हैं बैकवर्ड्स, दे आर टर्न्ड बैक. मैं मेंशन कर देता हूं, वन पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बैक. सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड की गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
conclusions of Rutherford's gold foil experiment. By the observation of gold foil experiment, Rutherford ने atomic model के लिए कुछ conclusions दिए जो हम यहाँ discuss करेंगे. First, most of the alpha particles passed through the foil, so it was concluded that most of the atom is empty. ज्यादातर alpha particles undeflected रहे, they easily pass through the gold foil. From that observation, we can conclude that the atom का most of the part empty. Now, second conclusion, some alpha particles are deflected by small angles. That indicates the positively charged alpha particles are attracted by electron or they strike on the boundary of nucleus. So, मैं mention कर देता हूँ, few alpha particles were deflected by small angles, which indicates that the positively charged alpha particles were striked on boundary of nucleus or they were attracted by negatively charged electrons. Kuch alpha particles ka path slightly change hua, they are deflected by small angles. और ये जो स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन है, इसका रीजन हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल्स या तो न्यूक्लियस के बाउंड्री से टकराए, दैट्स व्हाई दे स्कैटर्ड, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे एटम के अंदर, उन्होंने अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज के कारण उन्हें अट्रैक्ट किया, दैट्स व्हाई दीज अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एंड दे आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. थर्ड कंक्लूजन, लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंडिकेट्स दैट the center of atom is positively charged and it repels the positively charged alpha particles. Observation हमने देखा कि alpha particles ऐसे थे जो bounce back हो रहे थे, या alpha particles जो थे ये atom के center पे strike हुए जो कि nucleus है, और nucleus जो है ये actually positively charged होगा, that's why न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. दैट्स व्हाई यहां पे हमें लार्ज डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व हुए. एंड लास्ट कंक्लूजन, सिंस ओनली 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स इज डिफ्लेक्टेड बैक, इट इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ होल एटम. अब जैसा कि ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि 20,000 में से ओनली वन पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियस पर टकराने वाले पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक होते हैं, और न्यूक्लियस पे स्ट्राइक होने के चांसेस भी बहुत कम हैं, सिंस साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ होल एटम. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज postulates of Rutherford's atomic model. First, अब क्योंकि एटम में से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे थे, सो यहां से हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी. नाउ सेकेंड, जैसा कि हमने देखा कि एटम के न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एटॉमिक मास ऑफ एटम. सो वी कैन से दैट कि एटम का होल मास उसके न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि उसका सेंट्रल पार्ट है. सो सेकेंड पॉइंट, द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम, दैट इज न्यूक्लियस. नाउ थर्ड पॉइंट, जैसा कि हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक हो रहे थे, दे आर बाउंस्ड बैक या फिर दे आर डिफ्लेक्टेड बैक, इट मींस न्यूक्लियस जो है ये एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. सो थर्ड पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. Fourth point, the charge of nucleus of atom is equal to
प्लस जेड ए. एटम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज है इट इज इक्वल टू प्लस जेड डॉट ई. अब यहां पे जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड इज चार्ज नंबर, या फिर जिसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं दीज आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स. यानी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जितना एक प्रोटॉन का चार्ज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें न्यूक्लियस का टोटल चार्ज मिलेगा. फिफ्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ दैट इज ऑर्बिट. एज वी नो दैट कि थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्टैटिक था, वाइल रदरफोर्ड मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूवमेंट कर रहा है और इसका मोशन है एक्चुअली अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा है, जिससे हमने इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल का भी नेम दिया. जैसे न्यूक्लियस सोलर सिस्टम के सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा. एंड सिक्स्थ पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ होल एटम. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थॉमसन मॉडल में रेडियस ऑफ एटम को एक्सप्रेस किया था अराउंड 10^-10 मीटर. अब यहां पे रदरफोर्ड मॉडल में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्रेस किया गया, इट इज अराउंड 10^-15 मीटर. सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस एटम के साइज से अराउंड 1,00,000 टाइम्स स्मॉलर है. एंड दैट मींस न्यूक्लियर रीजन एक बहुत ही स्मॉल रीजन है जो एटम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. फर्स्ट ड्रॉबैक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्चुअली एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, एंड अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल अगर एक चार्ज बॉडी मोशन करता है देन इट विल एमिट रेडिएशन, और अगर एनर्जी रेडिएट करने के बाद इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो ग्रेजुअली उसका जो ऑर्बिट है वो श्रिंक हो जाएगा एंड फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा. यानी इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस और हमारा एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज एटम विल कोलैप्स, और वी नो दैट कि एटम में ऐसा नहीं होता है. तो एटम स्टेबल क्यों है इसका रीजन रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया. तो मैं मेंशन कर देता हूं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिलरेट करेगा. अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है और ये मोशन कर रहा है तो एक्चुअली मोशन करने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ग्रेजुअली एनर्जी लूज करने के कारण इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट श्रिंक होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट की जगह स्पाइरल शेप में रोटेट करेगा और फाइनली इट विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसके कारण एटम कोलैप्स हो जाएगा एंड एटम विल बिकम अनस्टेबल, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल होने में 10^-8 सेकेंड्स लगते हैं, बट एटम्स आर स्टेबल. सो एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया. तो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे ये पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विल एमिट रेडिएशंस एंड लूज एनर्जी, सो द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल श्रिंक एंड इट विल फॉलो स्पाइरल पाथ, फाइनली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन न्यूक्लियस एंड एटम विल बिकम अनस्टेबल. बट वी नो दैट कि एटम्स आर स्टेबल, उसका रीजन एक्चुअली रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया. नाउ सेकंड लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट
इनका रोटेशन या जो मूवमेंट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो सेकेंड पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा, इस बारे में रदरफोर्ड मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा. एटम्स को अगर हम लोग एनर्जी से कोलिजन करते हैं, यानी एटम्स के ऊपर जब एनर्जी कोलाइड करती है, देन एटम्स गेट एक्साइटेड, और एटम्स के एक्साइटेशन के बाद एटम इटसेल्फ रेडिएट्स सम एनर्जी. और इस एनर्जी को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें डिफरेंट डार्क एंड लाइट लाइंस दिखते हैं, जिन्हें हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम, और ये अराइज होता है बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. बट इस कॉन्सेप्ट के बारे में रदरफोर्ड के मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. सो वी कैन से कि रदरफोर्ड मॉडल लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, जो कि आगे नील बोर ने एक्सप्लेन किया. सो दीज आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल.